बॉलीवुड एक्टर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि वो मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में एडमिट हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की कार को भी स्पॉट किया गया। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा का एक ट्वीट वायरल हो गया, जो कि उन्होंने एडमिट होने से पहले किया था। दरअसल बताते चलें कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा था अपने इस ट्वीट में। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बताया ये जा रहा है कि वो रूटीन चेकअप की वजह से उन्हें भर्ती करवाया गया। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। 70 साल के एक्टर के फैंस इन खबरों को सुनकर चिंता में आ गए, वो भी एक समय में जब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का शादी को सिर्फ 6 दिन हुए। एडमिट होने से 2 घंटे पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने हेल्थ को लेकर एक ट्वीट किया था, जहां उन्होंने एक इन्फॉर्मेटिव पोस्ट किया था कि सेहत से जुड़ा है। उन्होंने किडन इन्फेक्शन और जागरूकता से जुड़ा पोस्ट किया था, जहाँ एक डॉक्टर इसके बारे में बात कर रहे थे। शत्रुघ्न ने लिखा था, हेल्थ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं बहुत ही शानदार वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि किडनी बीमारी और सावधानी से जुड़ा है। इस वीडियो में जान सकते हैं कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है और साफ रख सकते हैं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटेड है। जय हिंद। मालूम हो कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की 23 जून 2024 को कोर्ट मैरिज हुई है। एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से अपने बांद्रा वाले घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की। इस शादी के बाद लगातार एक्ट्रेस को भी ट्रोल किया जा रहा है। वैसे आपको शत्रुघ्न की हेल्थ पर क्या कुछ कहना, हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।